प्रकाश जी से हम सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, हमारे सीनियर मोस्ट प्रवक्ता हैं। एक परिचय और मैं कराना चाहूँगा आपसे, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, उनसे भी सभी मैकेनिकल में डॉक्टरेट किया है, 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर रह चुके हैं और पिछले माननीय नितिन जी की टीम में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रहे हैं और 1997 से माननीय राजनाथ जी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम देखते रहे हैं और पिछले यूपी के विधानसभा चुनाव में जो हमारा मीडिया मैनेजमेंट था उसके सदस्य रहे हैं और यूएस, चाइना, जापान, वहाँ की गवर्नमेंट से तो यंग पॉलिटिकल लीडर्स की जो समिट होती है 2008 में यूएस और जापान और 2011 में चाइना, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ गए हैं। डॉक्टर त्रिवेदी जी का बहुत लंबा पॉलिटिकल अनुभव है और इस बार माननीय राजनाथ जी की नई टीम में हमारे नव नियुक्त प्रवक्ता के रूप में आप लोगों के बीच में रहेंगे। प्रकाश जी से अनुरोध करता हूं कि प्रेस वार्ता आरंभ करें। और हमारी नई टीम है, एक बार सब भी आपको मिलेंगे एक साथ। यस, जल्दी आज राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और सभी प्रदेशों के और केंद्र के संगठन से जुड़े सभी संगठन मंत्री, इतने लोगों की आज बैठक दिन भर की शुरू हुई है। इस बैठक का महत्व इसलिए है कि टीम घोषित होने के बाद, चूंकि कल 6 अप्रैल का स्थापना दिवस था और देश भर में हजारों गांव, शहर, कस्बों में ये कार्यक्रम बहुत उत्साह से और लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम के रूप में कल जब बहुत अच्छी तरीके से स्थापना दिवस के कार्यक्रम हुए और उसके तुरंत बाद आज ये बैठक इसीलिए आयोजित की थी कि अब समय कम है और तैयारी जोर से करनी है। पहले सत्र में राजनीतिक स्थिति का एक जायजा लिया गया। शुरू में राजनाथ जी ने अपना अध्यक्षीय प्रास्ताविक रखा, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी ने अपना एक विवेचन दिया, तीनों और फिर उसके बाद अरुण जी और सुषमा जी, उन्होंने भी बैठक में बैठक को संबोधित किया। इसी राजनीतिक अलग अलग मुद्दों को हर एक ने उठाया और इस सत्र का समापन हमारे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया और बहुत ही सार्थक सत्र रहा। अब 3 बजे जो शुरू होगा उसमें संगठनात्मक विस्तार कैसे करें और जहां उसकी चर्चा होगी, सभी प्रतिनिधियों का एक मुद्दों पर उनको कुछ कहना है, मुद्दों एवं रणनीति पर आने वाले दिनों में बीजेपी को क्या करना चाहिए, तो उसकी भी चर्चा होगी और फिर आगामी कार्यक्रम उसी में से तय होंगे और वो फिर आपको भी बाद में बताए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव के लिए अब तैयार है। वैसे इस साल में 6 राज्यों के चुनाव, एक के तो कर्नाटक के शुरू ही हो गए और 5 राज्यों के होंगे, क्योंकि झारखंड के भी होंगे ऐसा हम मानते हैं, हमारी मांग ही है, और 4 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं दिल्ली, इनके चुनाव नवंबर में है। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक स्थिति है तो उस राजनीतिक स्थिति में कभी भी लोकसभा के भी चुनाव हो सकते हैं, ये समझ के संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का मूल मंत्र अध्यक्ष जी राजनाथ सिंह जी ने दिया।
और सबने कहा कि हम बिल्कुल तैयार। राजनाथ जी ने कहा कि ये एक बहुत ही अनुकूल माहौल है, कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश है और चुनौतियां जो है उसको हम सफलता से, ये चुनावी चुनौतियां जो है उनको हम सफलता से डील करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की दो विशेषताएं हैं, सबसे बड़ी दो विशेषताएं, सुशासन और संगठन। और इसलिए उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बूथ लेवल का संगठन यही बीजेपी की एक सही ताकत है। जहां वो अभी थोड़ी सी ढीली हो गई होगी वो चुस्त दुरुस्त करे, जल्दी करे। तो बूथ टीम और बूथ यंत्रणा जल्दी तैयार करे और चुस्त और दुरुस्त करे, ये भी कहा। और अनावश्यक विवाद जो पैदा होते हैं तो प्रवक्ताओं के अलावा जो आप भी लोग एक एक को दंगा लेके जाते हो सामने, और फिर एक कोई किसी ने कुछ कहा तो उसी से विवाद दिन भर दो दिन चलता है। तो उन्होंने ये भी सलाह दी सबको कि हिदायत दी एक तरह से कि भाई ये नहीं करना है। जिनको अधिकृत रूप से कहा गया है वो कहेंगे, पार्टी की जो भी लाइन है बताएंगे, सबको बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दो मुद्दों पर और इंगित किया, तुलना की उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार और एनडीए की सरकार। युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है रोजगार का। एनडीए के काल में 6 साल में 6 करोड़ से ज्यादा रोजगार मिले। अब इनके 9 साल में खुद प्लानिंग कमीशन के आंकड़े आए, एनएसओस के राउंड के आंकड़े आए हैं, 27-30 लाख से ज्यादा रोजगार नहीं मिले हैं। तो ये सरकार रोजगार निर्माण करने में बिल्कुल विफल रही है। और ये सरकार तो सीबीआई के बैसाखी पर चल रही है, सीबीआई के सहारे पर चल रही है। अपने प्रास्ताविक में, अध्यक्ष प्रास्ताविक में उन्होंने मुख्यतः ये मुद्दे रखे। मुरली मनोहर जोशी जी ने भारत के पड़ोसी देशों में क्या स्थिति है इसका जिक्र किया। पाकिस्तान अब चुनाव के लिए जा रहा है, लेकिन कैसे रहेगी लोकतंत्र, कितना बचेगा या क्या होगा, एक देखने लायक बात है। अफगानिस्तान से अमेरिकन सेना के विड्रॉल के बाद क्या स्थिति उभरती है वो भी भारत पर परिणाम करने वाली बात है। चीन ने नेपाल में जिस तरह से अपना प्रभाव बढ़ाया है उसके भी हमारे, और ये म्यांमार में है, बांग्लादेश की स्थिति है, श्रीलंका की स्थिति है, मालदीव तक की स्थिति, और इस सबका भारत के राजनीति पर परिणाम है आने वाले चुनाव में भी। और इसलिए ये पड़ोसी देशों की स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि अटल जी के जमाने में यानी 10 साल पहले ये संबंध बेहतर हुआ करते थे सभी पड़ोसी राज्यों से, देशों से, और आज ये बहुत ही विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई है भारत के आसपास, और इसलिए उसकी और जिक्र करके उसको भी ध्यान रखने की उन्होंने सबको सलाह दी। कश्मीर जैसे अंदरूनी मसले हैं, एफटीएस हो रहे हैं, सरकार अल्पमत में है लेकिन संसद को बिना बताए यूरोपियन यूनियन से एफटीए करने जा रही है, तो ये जो सारी चल रही है इसे एक अनार्की, एक क्योस, इसका ये दर्शन होता है। और इसलिए उन्होंने भी वही जताया कि हम चुनौती के लिए तैयार है, एक मजबूत विकल्प के रूप में हम खुद को पेश करें। अरुण जेटली जी ने एक बड़ी मार्मिक बात कही कि पिछले चुनाव में 2004 और 2009 की मुख्य है, कांग्रेस को यानी यूपीए को 265 मिले और कांग्रेस को 206 सीटें मिली। कहां से मिली?
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। उनके जो 265 है उसमें से 160 सीटें तो इन्हीं 6 राज्यों से मिली। आज यहां वॉशआउट की स्थिति में कांग्रेस है। आपको पता है जिस तरह से आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी की अलग पार्टी बनी है, कांग्रेस टिक नहीं पा रही है। तेलंगाना के बारे में कांग्रेस की अनिर्णय के कारण बिल्कुल कांग्रेस वहां आंध्र प्रदेश में वॉशआउट की स्थिति में है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में उनके दोनों जो साथी दल थे डीएमके और टीएमसी, दोनों उनको छोड़ गए हैं, तो वहां उनका अब कुछ प्रभाव नहीं रहेगा। यूपी में एक विशेष स्थिति में उनको 20-22 सीटें मिली थी, लेकिन अब की बार वो भी स्थिति नहीं है, बिल्कुल वॉशआउट है। राजस्थान में जिस तरह से पिछले 4 दिन में वसुंधरा राजे जी के यात्रा को समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन, और लोग तुलना कर रहे हैं पहले के 5 साल और अब के 5 साल, तो वहां भी निर्णय बिल्कुल साफ है। हरियाणा में, दिल्ली में जिस तरह से अर्बन सेंटर्स में जो एक उनको विशेष मिला था वो भी सब साफ हो गया है, और इसलिए इनकम्बेंसी का उनको नुकसान होगा। उनका गठबंधन टूट रहा है और लीडरशिप का भी कंफ्यूजन है और लीडरशिप के बारे में भी कंफ्यूजन है। इट्स अ कंफ्यूज लीडरशिप एंड कंफ्यूजन ऑन लीडरशिप इशू बोथ। और एक फेल्ड गवर्नेंस दिया है, तो इसके लिए उन्होंने अंत में ये कहा कि हमें लोगों तक जाना है, लोकप्रिय आंदोलन करने हैं, बट इट इज पॉपुलैरिटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज व्हाट ही इसेंशियली से। सुषमा जी ने दो बातें कही कि आने वाले, अभी हम 5 राज्यों में सत्ता में है, हमारे मुख्यमंत्री है, 2 राज्यों में हमारे साथी दल के साथ गठबंधन में सत्ता में है, और अब आने वाले चुनाव में 2 राज्यों में हम हैट्रिक करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हम हैट्रिक करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जिस कदर महंगाई और भ्रष्टाचार ये देश को दिया है उससे जनता गुस्से में है, और इसलिए परिवर्तन होगा। अंत में आडवाणी जी ने मार्गदर्शन किया, उन्होंने 3 बातें कही। पहले तो ये कि एनडीए ने एक सुशासन का और तरक्की का एक बेहतरीन मॉडल प्रेजेंट किया 98 से 2004, और पहले किसी भी कांग्रेस की शासन की तुलना में यह बहुत एक ऐतिहासिक काम अटल जी की सरकार ने किया। और इसलिए उन्होंने कहा आने वाले चुनाव के 3 मुख्य मुद्दे होंगे, 3 इश्यूज ही आइडेंटिफाइड एज इन्फ्लेशन, करप्शन एंड ब्लैक मनी। क्योंकि ब्लैक मनी के बारे में भी जो नए खुलासे हो रहे हैं, तो ये मुद्दा फिर से प्रखरता से आएगा, और इसलिए महंगाई, भ्रष्टाचार और काले धन, और उसका हमारा जवाब है सुशासन, विकास और आइडियल इमेज। उन्होंने कहा गुड गवर्नेंस, प्रूडेंट पॉलिटिक्स एंड आइडियल इमेज आर द 3 फॉल्टे ऑफ बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की ये 3 प्रमुख बिंदु रहेंगे कि सुशासन देंगे विकास करने का, यस गुड गवर्नेंस, प्रूडेंट पॉलिटिक्स एंड आइडियल इमेज। आवर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज प्रूडेंट। गुड गवर्नेंस, प्रूडेंट पॉलिटिक्स एंड आइडियल इमेज, ये उन्होंने कहा। So today the party's national office bearers, state presidents, many of them are new, and state and national organizing secretaries, they met for the first time after the reorganization of the party.
under the presidentship of Shri Rajnath Singh. And in the first session, where we took stock of the political situation prevailing in the country, the main theme emerged out of it that BJP is ready for poll anytime. This year, five states are scheduled to have the polls, and Jharkhand we are demanding and hope that it will happen. So six states are going to polls, but we are ready for Lok Sabha polls also. We are not giving dates or month, because the Congress government is in office only on the basis of misuse of CBI. And now allies are also saying that. Supporting parties are also saying that. So the principal ally of the UPA is the CBI. And therefore, the government which is living on the crutches of CBI may fall any time. But as far as BJP is concerned, we are ready for elections anytime. And this was the message given by our party president, Shri Rajnath Singh ji, in his initial remarks. He also stressed that the BJP's real strength lies in two things: good governance whenever we are in government, and at the same time the organizational strength present in each booth of the country. And therefore he stressed that we have to re-energize that booth committees, and I think the organizational program which will be finalized will also have that element in it. He also stressed that what government has given, UPA government, is inflation, corruption and wider disparity, a crony capitalism. And he gave one figure which is very relevant, that the employment opportunities made available by the NDA government in 6 years was more than 6 crore, while the UPA's performance on this ground, official figures also say that it's very poor, it's not even 1/10 of what NDA achieved, and it's around 30 lakh opportunities. Murali Manohar Joshi, he gave the overall environment present in the Indian subcontinent. And he stressed that 10 years ago under Atalji, we had the best of relations with all our neighbors. But today the situation exactly opposite. We don't know what happens with Pakistan. It is in election. So whether how democracy will survive, there is, one has to see, because it will have reflection on Indian politics also. Afghanistan, when the American forces will go, and already they have gone, but they have complete out of withdrawal, there is a new equation emerging. China is encircling India through its efforts. There are tensions there on the border also. In Bangladesh, there is a peculiar situation. In Myanmar, there are efforts. And in Sri Lanka also, we have seen how Chinese are efforting and how the Sri Lankan events are impacting the Indian politics. So thereby, we have this challenge also to be kept in mind, and we have to go ahead with that. Arun Jaitley ji gave a very insight into the whole UPA strength and the what the elections entail for them. Last time, UPA won 160 seats out of their 265 seats in mainly 6 regions of Tamil Nadu, West Bengal, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan and Haryana. This time, these states will see complete washout of Congress. In TN and West Bengal, Tamil Nadu, West Bengal, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, they got an
tremendous success in these states, but situation is completely reversed to what it was in 2009. In Tamil Nadu, DMK has deserted them, so Congress stands no chance. And particularly after what they have done in, as far as the Tamil issues are concerned, absolutely they cannot go even. Chidambaram may say that elections will be held on time, but actually, because they cannot go and face the Tamil people, Tamil anger. So Tamil Nadu, the West Bengal, they were in alliance with Trinamool Congress, and that's why they were winning. That is gone. Andhra Pradesh, as you know, it's their own problem, inner contradictions. So on one hand, their indecision about Telangana completely wiped out, and other regions, it is the YSR Congress party, so that is also affecting. UP, for a peculiar reasons, last time they got 22 seats, this time even a single digit is a big thing. Rajasthan, as we are witnessing with the tremendous support Vasundhara is getting last week when she has launched her yatra, it is very clear that Congress is facing a complete washout in Rajasthan, Haryana and in urban centers where they got unexpectedly more seats last time. So it is the incumbency, crumbling alliance, confusion on leadership and failed governance is what is happening on the Congress front. So he advised the workers and the leaders present that we have to go popular, but it is popularity with responsibility. Sushma ji stressed that our base is very wide, and it is the, as Gujarat we have achieved a hat trick, actually it is the 5 wins in row for BJP and 3 wins in row under the leadership of Narendra Modi ji. But now 2 more states, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, will also achieve hat trick. So we are a party of governance, and what Congress has presented is again the inflation, corruption and FDI and other issues. We should take it to the people. Lastly, it was Advani ji who guided the deliberations, and he gave that good governance, prudent politics and ideal image is what is the strength of BJP, and we must present our party in the same fashion. And he also pointed out that the election issues will be inflation, corruption and black money, menace of black money. So these 3 issues will dominate the public discourse henceforth. And NDA presented a very good governance model which people believe in it, and people recollect it and experiencing wherever there are BJP ruled states. So this is today's first session. Now from 3 o'clock onwards we will have the organizational session, and in which we will discuss about how to widen the organizational base. At the same time, all the leaders from different states will also give their suggestions about the programs, about the strategy, about the organization. So all this will be discussed for next 2.5 hours, and then there will be a final decision on what will be our immediate next 6 months program. So this is what it is today. Yeah, Modi ji will be there. मोदी जी अभी 4 बजे आएंगे, वो एक चीफ मिनिस्टर का मीटिंग भी चल रहा है ना, सो विल कम देयर। नहीं, पहले इसका पूरा करते ना। हाँ नहीं, इसलिए हम मुहूर्त में जा ही नहीं रहे। ये सरकार सीबीआई के बैसाखी पर है, तो वो कभी भी गिर सकती है। हम तैयार हैं। We are ready for elections, Lok Sabha and the 6 scheduled elections. Party ke netrutva mein. Yes. No. We are very clear. We have galaxy of leaders, and that is, we are proud of that. It is not only one family which can provide us the leadership.
So we are very proud of our leadership and we'll take appropriate decision at appropriate time on appropriate forum. Today is not that forum. It's a stated position always, so no, nothing new to respond. नहीं वो तो हर भारतीय सुबह उठने के बाद वही कहता है. नहीं नहीं चर्चा का मुद्दा नहीं है ये. देखो दिस इज ए ऑफिस बेयरर्स मीटिंग टू डिसाइड द फ्यूचर प्रोग्राम्स एंड डिस्कस अबाउट स्ट्रेटजीज. सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन. सो इट इज नॉट अबाउट, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग नहीं है. एक मिनट इनका पूरा करते हैं. सभी जगह आप देखते रहिए, दिस टाइम इट्स ऑल इंडिया, राइट फ्रॉम अंडमान टू लक्षद्वीप टू लेह लद्दाख टू केरला भी हम खाता खोलेंगे. यस वील ओपन अकाउंट इन केरला ऑल्सो दिस टाइम. यस ऐसा इस ऐसे वर्बल डिबेट में मैं पढ़ना नहीं चाहता. जो मोदी जी ने कहा कि देश को आप क्या समझोगे, तो हम भारत माता के रूप में पहचानते हैं, तो वो एक भाव है और वो संपूर्ण भाव है. एक सौ बीस करोड़ जो 6 करोड़ का गुजरात है वैसे ही 120 करोड़ का भारत है. नहीं नहीं आप उनसे पूछिए एक बार. हाँ इफ रिक्वायर्ड वील डेफिनेटली ब्रीफ बट अदरवाइज टुमारो वी आर मीटिंग अगेन. झारखंड में हमने अलायंस में एक अच्छी सरकार चलाई. वील ऑलवेज हैव अलायंस विद डिपेंडेबल पार्टीज. बिल्कुल गेन होगा, हमारी 12 सीटें बढ़ेगी. आपने महाराष्ट्र में पूछा तो मैंने संख्या ही बता दी. नहीं नहीं वो नहीं है, स्टेट प्रेसिडेंट है और वो प्रेजेंट है अभी. प्रेजेंट सुधीर मुनगंटीवार इज ऑलरेडी देयर इन द मीटिंग. नहीं नहीं वेटिंग मींस वी विल अनाउंस व्हेन एवर वी हैव टू अनाउंस. यस हाँ एक अच्छा मुद्दा आपने और सवाल भी अच्छा पूछा, मैं भी भूल गया था. आडवाणी जी ने बिल्कुल इसका जिक्र किया कि 2004 में वन इंपॉर्टेंट रीजन वॉज दैट अवर वर्कर्स वेर ऑल्सो ओवर कॉन्फिडेंट. सो दिस टाइम दैट कॉशन has to be there that though Congress is failing to gain full control and to explore all the potential of the BJP, the workers should be confident but not be overconfident. That also he mentioned. हाँ तो करो बोलो, इसीलिए तो करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए. पहले सम्मान करना तो सीखे सलमान खुर्शीद जी. हाँ
No, he said from this dais only, and in front of you, and you have heard him, and it was very clear, no confusion, that as we said, Mandir issue represents a fight against pseudo-secularism. Mandir issue symbolizes a fight for a national aspiration. And that is why, in that perspective, High Court also said that it is the Ram Janmabhoomi. So with evidence, they have come to that conclusion. And so we have always stated, as far as Mandir is concerned, either it has to be by the court verdict or by mutual agreement. उस दिन हम आपको मिलेंगे नहीं आज कैसे अगर मगर का क्या होता है अरे भाई प्रेस अगर मगर का कोई जवाब नहीं होता जवाब होता है यही कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा आप भी रहेंगे पूछने के लिए हम भी यहाँ बताने के लिए रहेंगे यस ऐसा है नरेंद्र मोदी एक ऐसे मुख्यमंत्री है कि जिनको लगातार 10 साल इस तरह के विद्वेषी मुहिम का सामना करना पड़ा और इसलिए कोई भी राजनीति में इस तरह का हेट कैंपेन जानबूझकर उनके खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड था अब यह सब साफ हो गया और उसमें ये सही है कि लोग उससे उल्टा देखते हैं कि जिन्होंने ये हेट कैंपेन चलाया उनके प्रति लोगों का रवैया बिल्कुल खिलाफत का है थैंक यू हाँ लास्ट किसने कहा है नहीं उनको तो कहना ही पड़ेगा वो थोड़ी ना कहेगी कि हाँ नहीं वो थोड़ी कहेगी कि बीजेपी की सत्ता आएगी नहीं आएगी बोली तो बात साफ है जो होना नहीं उस पर कितना भी वो बोलते रहे उसका कोई मतलब नहीं है थैंक यू